नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, TCS वर्ल्ड 10 के बंगलुरु मैराथन 2022 का मैं आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो का स्टार्ट। इसमें देख पा रहे होंगे ये 5K का भी रन हो रहा है और 10K का भी रन है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है आपको इस वीडियो में। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको आना है गूगल पे और आपको सर्च करना है TCS 10K बंगलुरु 2022। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं ये वेबसाइट है और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देख पा रहे हैं वेबसाइट खुल चुका है। तो थोड़ा इसको अच्छा क्लैरिटी के लिए हम इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप साइट कर दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका काउंट डाउन, रेस का काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। मात्र 20 डेज और बचा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं काउंट डाउन स्टार्ट है। तो चलिए आगे का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक्चुअली ये रन दो कैटेगरी में हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑन ग्राउंड कैटेगरी और वर्चुअल कैटेगरी। ऑन ग्राउंड कैटेगरी जो कि लाइव होगा, वहाँ पे आप जाके खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ऑन ग्राउंड होता है, और आप किसी ऐप के थ्रू अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो वर्चुअल कैटेगरी होता है। तो इसमें देख पा रहे होंगे ऑन ग्राउंड में 4 कैटेगरी है, ओपन 10K, मज़ा 5K रन और सीनियर सिटीजन्स रन 4.2 किलोमीटर का, और चैम्पियंस विथ डिसेबिलिटी जो कि 4.2 किलोमीटर का ये भी है। और जो वर्चुअल कैटेगरी है इसमें दो कैटेगरी है, ओपन 10K और मज़ा रन 5K। और वर्चुअल रन पे आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन लिंक में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर ऑन ग्राउंड का कैटेगरी का ओपन टेन किलोमीटर का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, इस पर मैंने ये क्लिक किया। तो फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल चीज़ें यहाँ पे दी गई है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाए। एप्लीकेशन फ़ी और कंफर्मेशन क्राइटेरिया, एंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्राइज मनी रूल्स, हेल्थ मैंडेटरीज, रनर्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ों पर इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फ़ी, कन्फर्मेशन क्राइटेरिया, प्राइज मनी और रनर्स इन्फॉर्मेशन पे मैं डिस्कस करूँगा। और तो चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 10 किलोमीटर का रन है जो कि ओपन में होगा, और इसका रेस्ट डे है संडे 15 मई 2022 को, और ये स्टार्ट होगा श्री कैंटीरवा स्टेडियम में, और इसका मिनिमम एज जो एलिजिबिलिटी है जो अप्लाई कर सकता है 10K में उसका 15 ईयर्स होना चाहिए, 15 साल। और इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से ही, और इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 29 अप्रैल 2022, आप 12 बजे तक कर सकते हैं। और इसमें इसका कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, आप इसको देख लें। टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए और अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अब एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं, यहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे एप्लीकेशन फ़ी, और जो एप्लीकेशन फ़ी है जो डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स हैं जो इंडियन हैं उसके लिए 1500 रुपये, और इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंक्लूसिव ऑफ GST एक्ट, जो 80% है वो इसमें GST इंक्लूड है। और जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स हैं जो कि आउटसाइड इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए $50 जो कि करीब 3750 रुपये के आसपास होता है, उनको उतना पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेमेंट्स मोड देख पा रहे होंगे आप, ये इस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक के थ्रू आप, या इसका नेट बैंकिंग से भी आप ड्राफ्ट से भी पे कर सकते हैं, ये पेमेंट मेथड है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड और आप बात कर लेते हैं इसका कंफर्मेशन क्राइटेरिया, आप देख लीजिएगा इसका क्या क्या कंफर्मेशन क्राइटेरिया है, कितना कट ऑफ टाइमिंग है इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका प्राइज मनी का, आखिर कितना प्राइज मनी है इसमें। तो इसका प्राइज मनी यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे अलग अलग कैटेगरी में है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 साल से 19 साल के लिए जो फर्स्ट प्राइज है मीन के लिए, उसमें देख पा रहे हैं फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपये है, सेकंड प्राइज 15,000 का है, और थर्ड प्राइज 10,000 का है। सेम वुमेन में भी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25,000 15,000 10,000, और यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20
साल से लेके 24 साल के जो एज कैटेगरी है इसमें भी प्राइज मनी सेम ही है, और यहाँ पे टोटल कैटेगरी दिया गया है लगभग सब में प्राइज सेम ही है। तो ये रहा प्राइज मनी, अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, इसमें भी प्राइज मनी का कुछ रूल्स हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो रूल्स हैं इसमें फाइनल सर्टिफिकेट आने का वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रूल्स हैं वो आप रूल यहाँ पे अपना टोटल जो रूल्स है इसका वो आप यहाँ पे देख लें एक बार। और अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ रनर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रनर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्स्ट है रेस स्टार्ट टाइमिंग, फिर यहाँ पे आप रूट मैप भी यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपो जहाँ पे ये इवेंट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो रेस जो स्टार्ट टाइमिंग है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 10 जो ओपन 10 किलोमीटर है उस वो होगा स्टार्ट 5:30 में, और इसका फिनिश टाइम है 7:15, और ये इनसाइड स्टेडियम से स्टार्ट होगा और आउटसाइड में ये फिनिश होगा ये। और फिर जो 10 किलोमीटर वुमेन है और 10 किलोमीटर वर्ल्ड 10 के मैन है सबका यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, आप यहाँ पे अपने टाइम पे वहाँ पे पहुँचें। और यहाँ पे इसका मैप देख लेते हैं, यहाँ से आप रूट मैप आप जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैप है, और इस तरह से आपकी रनिंग होगी वहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट होगा स्टेडियम के अंदर से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्टेडियम है, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आउटसाइड स्टेडियम यहाँ पे ये फिनिश होगा। और यहाँ पे जितने भी देख पा रहे होंगे ये किलोमीटर्स हैं इतने इतनी दूर पे, ये टोटल कंप्लीट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक्सपो की, तो आप एक्सपो पे क्लिक कर दें तो यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सपो का एड्रेस है जय महल पैलेस, पैलेस 1, जय महल पैलेस मेन रोड, और नियर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन रोड, ये नंदी दुर्गा रोड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी चीज़ मैंडेटरी है इस एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन कन्फर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का जो जो भी आप आईडी प्रूफ डाल रहे हो वो आप लेके जाए, और फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट वो भी लेके आप वहाँ पे जाए। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ से टोटल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम आपको रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रोसेस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ईमेल डालना है आपका जो भी ईमेल है अपना वो ईमेल डाल दें। जैसे आप अपना ईमेल यहाँ पे डालेंगे और ये सेंड करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, और आपको ये 2 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, और आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो आपको ओटीपी डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर एक क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव अ कंपनी ग्रुप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कोड, अगर आपके पास है तो यस कर, अगर नहीं है तो नो करके आप प्रोसीड कर दें। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टोटल खुल चुका है फॉर्म। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर ईमेल तो ऑलरेडी आप डाल ही चुके हैं, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपना कैटेगरी चूज करें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दें, यहाँ पर इंटर पिन कोड डाल दें, और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर स्टेट सिटी, और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दें, और यहाँ पर जो भी नेशनलिटी है। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इफ़ यू आर ए मेम्बर ऑफ रनिंग क्लब, ये तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दें, और यहाँ पर आपका जो भी एक्यूपेशन है वो डाल के आप यहाँ से प्रोसीड कर दें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लास्टली आपको पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स तो ये था टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन TCS वर्ल्ड के बंगलुरु मैराथन का। तो अगर और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।